प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पीपी किट एवं कोरोना संबंधित स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद घोटाले को लेकर कड़ी कार्रवाई करने के लिए यूथ कांग्रेस ने मांग की है। हमीरपुर में यूथ कांग्रेस के महासचिव डॉक्टर चंद्र राणा ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर जल्द इस मामले में उच्चस्तरीय जाँच करने की मांग की है। चंदन राणा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच की जाए और स्वास्थ्य विभाग को स्वयं मुख्यमंत्री देख रहे हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इस तरह घोटाला किए जाना मानवता को शर्मसार करने वाला है और ये प्रदेश सरकार के भीतर फैले भ्रष्टाचार को भी उजागर कर रहा है। आज हमने हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से माननीय राज्यपाल महोदय को एक मांग पत्र भेजा है एसडीएम हमीरपुर के माध्यम से, जिसमें जो अभी कथित जो हेल्थ डिपार्टमेंट में घोटाला सरेआम घूसखोरी की बात करते हुए और जो खरीदारी में जो अनियमितताएं बरती गई हैं और सस्ती चीजों को महंगे में खरीदा गया है, उसके लिए निष्पक्ष जाँच की मांग करने के लिए पत्र भेजा है। क्योंकि अभी तक देखा गया, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री को हमारे सीएम महोदय खुद देख रहे हैं, और जबकि घोटाला एक हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है और जो रिजाइन है वो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी दबाव के अंडर या ये सारी जांच ना हो, तो हम निष्पक्ष जांच को लेकर हमने ये आज राज्यपाल महोदय से ये दरखास्त की है।